हे गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। सो अभी मॉर्निंग के बजे हैं 7 बजे। वैसे मैं उठ गया था 6:30 बजे आज, बट अभी मॉर्निंग में, अब उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश अप हुआ है, उसके बाद अभी 7 बजे। और आज जब मॉर्निंग उठा तो मेरे को ऐसा वो स्कूल वाली वाइब्स आई कि जब स्कूल जाते थे तो हम लोग, मतलब मेरे सब पर बस आती थी 6 बजे, तो 5 बजे उठते थे। सो 5 बजे उठ के, और ठंड में तो भाई साहब जो हाल होता था, पूरा फट 5 बजे उठ के, उसके बाद ही बस वो 5 मिनट बोलना कि 5 मिनट बाद उठ रहे हैं मम्मी, 5 मिनट बाद उठ रहे हैं मम्मी। तो मतलब मैं उठता था, हाँ, 5 बजे के टाइम। मम्मी तो और पहले ही उठती थी, फिर टिफिन विफिन बनाती थी, और वो भी 5 मिनट का, 5 मिनट करके करके वो कब आधे घंटे कन्वर्ट हो जाते थे, समझ में नहीं आता था। तो वही है, लेकिन अब तो स्कूल चला गया था वो, लेकिन एकदम से याद आया। आपको भी बताना कि आपको अपने स्कूलों की याद आती कि नहीं आती। मतलब वो उस टाइम लगता था कि यार मतलब स्कूल जल्दी ख़त्म हो जाए, बट आज लगता है कि हाँ यार स्कूल बहुत सही चीज़ थी। सो कोई नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आज शायद रामनवमी, तो आज हम मॉर्निंग में मैं जाऊँगा जिम, क्योंकि और शाम को काफ़ी ज़्यादा काम है, और जो आज भंडारा वंडारा भी होता था उसमें भी थोड़ा बहुत मतलब हेल्प करना होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रामनवमी टू ऑल ऑफ यू, मैं राम जी ब्लेस विथ यू एंड योर फैमिली। एंड तो आज फटाफट से अपन चलेंगे अभी कुछ ओवरशॉट्स लेने के बाद जिम वहाँ। और आज ज़्यादा पुश नहीं करेंगे क्योंकि आज रिकवरी के लिए थोड़ा टाइम नहीं मिला, क्योंकि आज मेरे को सोचते मतलब वही कल भी सोचते 1 बज गया था, तो वही आज भी मतलब 5.5-6 घंटे की नींद। अभी थोड़ा ऑफिस में ज़्यादा काम आ रहा है, तो थोड़ा सा नींद वींद में थोड़ा रोज 5-6 घंटे की नींद हो रही है आज। तो ज़्यादा पुश नहीं करेंगे, बट मिस नहीं करेंगे जिम, क्योंकि जिम मिस हो जाता तो फिर प्रॉपर एक दिन मिस होता तो फिर वो होते ही रहता है। जो जिस वेट से नेक्स्ट वीक लगाते हैं उसी वेट से लगाएंगे, बट हाँ ओवरहेड प्रेस में हम 17.5 से कोशिश करेंगे कि हम इजीली 8 रेप नहीं निकाल पाएँ। आज कुछ अभी तो कुछ खाया नहीं, बस ओट्स खाने के बाद चलेंगे जिम डायरेक्ट। तो देखते हैं कैसा होता है, मे भी ईजी आ जाएँ, क्योंकि एक मील तो चली जाएगी, उसके आधे घंटे बाद हम जिम जाएंगे, इजी रैप आ जाएंगे। सो और हाँ, और क्या बोलते हैं, हम इंक्लाइन और लेटरल रेस का सुपर सेट करने वाले हैं आज, ये है आज का गोल। और उसमें भी हमारा टारगेट ये रहेगा कि वही 12 तक रह पाएँ विथ प्रॉपर फॉर्म, विथ प्रॉपर प्रॉपर फॉर्म के साथ, जो हमारा वेट रहे उसके साथ ज़्यादा मतलब मोमेंटम का यूज़ ना हो। सो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि आज ज़्यादा पुश नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा रिकवरी में इशू है। तो जितने रेप प्रॉपर फॉर्म में आ जाएं, भले चाहे लाइट वेट से हो, बट उतने वेट प्रॉपर फॉर्म से लगाएंगे। तो ये है आज का गोल। और तो अभी कुछ मील लेते हैं और उसके बाद जिम चलते हैं। और एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं, जो मैंने अभी रिसेंटली अभी मैंने एक शूज़ लिए हैं, वो फ्लैट शूज़ इसलिए लिए हैं क्योंकि वो जिम में जो मतलब फ्लैट शूज़ का अच्छे से मतलब ग्रिप बन जाता है। मेरे पास शूज़ थे बट वो उनका स्लोपी टाइप का था, जो मैंने बताया था नाइक के। तो अभी मैंने एक और शूज़ ऑर्डर करे थे तो वो ले लिए, इसलिए क्योंकि वो जिम में अगर आपके पास फ्लैट शूज़ होना तो 15-20% तक का पुश आपको ईजिली मिल जाता, आपको वेट इंक्रीज़ करने में कोई ऐसा वो नहीं आता, क्योंकि आपके फ्लैट सरफेस है तो मतलब वो हो जाता है, उसके कारण मेरे को वो लेना पड़े। और वो अभी बिग मिलियन पे काफ़ी अच्छा उनका रेट भी चल रहा था, सो देन आई पोस्ट टू बी परचेज, सो उसको ले ली है। तो उसका भी रिव्यू देता हूँ आपको अभी पहनने के बाद कि वो कैसा है और उसके क्या मतलब कैसा देखने से तो एक नंबर लग रहा है, बट पहनने के बाद आपको रिव्यू देता हूँ कि वो रिव्यू कैसे मतलब शूज़ कैसे हैं और आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो अभी चलते हैं कुछ खाते हैं और फिर वो शूज़ बताता हूँ आपको कौन से हैं, कौन सी कंपनी के हैं। वो तो कंपनी तो शायद बताई दी मैंने, प्यूमा, बट वो आपको लेना वर्थ इट है कि नहीं। सो या चलते हैं कुछ खाते हैं, प्लीज। सो ये है अपना पार्सल, आई होप थोड़ा कैमरा एंगल सही ना, हाँ ये अपना पार्सल। सो लेट मी ओपन दिस, वन मोर पेयर गैजेट इन माय शूज इन माय स्टॉक, सॉरी। ये है
ये है एग्जैक्टली शूज़, और ये मैंने इसलिए बाय करा है क्योंकि इसका फ्लैट शूज़ है, सो जिम जिम में वो जो नीचे से जो पुश मिलेगा ना 15-20% का, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि अपना पैर ऐसा है, ऐसा शूज़ जो स्लोप वाले रहते हैं वो उनका अपना पैर जो रहता था वो स्टेबल नहीं रहता था, मतलब पूरी तरह ऐसा सीधा ही रहेगा ऐसा रहता था। तो वो मतलब अपन स्क्वाट्स कर रहे हो या हैवी डेडलिफ्ट कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा वो बैलेंस नहीं बन पाता था, मैं मतलब बेयर फुट करता था, फुट उतार के करता था। सो इसलिए मैंने ये इसको मैंने सोचा इसको लिया जाए। और ये अभी अपन आपको पता ही है कि सारी चीज़ मैं एकदम सोच समझ के लेता हूँ, तो अभी ऑफर चल रहा था तो मैंने इसको ले लिया। सो ये देखिए, देखो ये पूरा फ्लैट शोल है, तो इसी वजह से इसको मैंने परचेज करा है। और ये देखने में तो मतलब लग रहा है, मेरे को तो बहुत सेक्सी लग रहा है, तो पहनने के बाद और भी लगेगा मेरे को मालूम है। और ब्लैक मेरा वैसे भी फेवरेट कलर है, तो ब्लैक ऑलरेडी अच्छा लगने वाला है मेरे ऊपर, ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन। अभी तक जो पहले सबसे पहले वाले शूज़ थे वो नाइक के प्योर वाइट थे, बट वो भी रखे हुए, उसको भी संभाल के रखे हुए, संभाल के इसलिए रखे क्योंकि वो उनसे काफ़ी एक तरीके से अटैचमेंट बोल लो ये है उनसे, इसलिए काफ़ी अब जैसे वो फट उनका सोल अभी भी प्रॉपर थी बट साइड साइड से फटे हैं, तो इसलिए मैंने उनको पहनता नहीं हूँ बट रख के रखें ऐसा मेमोरी के लिए। और उसके बाद जो लिए थे नाइक के वो लिए थे ब्लैक, उसमें भी थोड़ा सा वाइट है, और ये जो लिए हैं ये भी ब्लैक है, इसमें भी थोड़ा सा वाइट है। सो अभी दो पेयर तो हो गए हैं, अब एक है कि ऐसा शूज़ का सेल्फ बने और उसमें अपने कम से कम 15-20 शूज़ लगे हों आने वाले टाइम में, तो देखो वो कब तक होता है। अभी दो तो लग गए लेकिन इसको अभी शेल्फ में लाएंगे, इसको नॉर्मल लगेंगे शेल्फ, तब लेंगे जब एटलीस्ट 6-7 पेयर होंगे तब अपन शेल्फ लेंगे उसमें लगाएंगे फिर बताएंगे शूज़। तो ये था छोटी सी अपडेट, ये छोटा सा शूज़ लिया था, काफ़ी मतलब मैंने अभी 2-3 महीने पहले वो लिया था, उसके बाद अभी अच्छी डील चल रही थी और तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ये इसको परचेस किया जाए, ये वर्थ इट है। और जिस रेट में मिला वो रेट में नहीं बताऊंगा, वो आप गैस करो कि कितने रेट में मिला होगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। जिसका कमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट होगा या नियर बाय होगा तो उसका मैं पिन करूंगा और फिर वहां पर ही आंसर करूंगा कि इसका एग्जैक्ट रेट कितना है। सो आप भी छोटी मेहनत करो, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका रेट एग्जैक्ट कितना होगा। सो या अब इनको पहन के चलते हैं जिम और अच्छे से वर्कआउट करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट ऑफिस करेंगे, फिर मैं मिलूंगा आपको डायरेक्ट शाम को, रात को मिलूंगा डायरेक्ट वहाँ जहाँ पर जो माता जी बैठी, वहाँ पर थोड़ा सा काम है, भंडारा में थोड़ा काम करवाना ही पड़ता है डायरेक्ट वहाँ मिलने, क्योंकि ऑफिस के बीच में आजकल बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, ऑफिस वाले बिल्कुल मैं मतलब पूरा हेक्टिक हो जाता है दिन, तो पूरा 7-7:30 बज जाता है। सो इसलिए मॉर्निंग में जा रहे हैं, मॉर्निंग में आज इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दिन में रात में काम है तो रात में हो नहीं पाएगा, तो इसलिए मॉर्निंग चले जाते हैं इनको पहनने के बाद, और अब इनको पहनते हैं और चलते हैं जिम और करते हैं वर्कआउट। Oh,